हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वादूम क्लासेस। काफ़ी टाइम बाद वीडियो लेक्चर बन रहा है मेरा, क्योंकि 2 महीने से आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स पर हम वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो अब कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे आपके साथ हम, और देखते हैं कोई भड़क नहीं आई तो हम बिल्कुल कंसिस्टेंट रखेंगे अपने वीडियो लेक्चर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, जिसका नाम है इंडस्ट्रीज। क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज होता क्या है, इसे कितने सारे टाइप्स हैं, ये सब हमें इस वीडियो लेक्चर में सीखने को मिलेगा। तो आपको पता होगा इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, हल्का फुल्का तो पता होगा। इंडस्ट्रीज मतलब जो फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ पर हम सामान बनाते हैं, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रीज के इंट्रोडक्शन को करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ से आई, क्यों आई, इनकी क्यों नीड है हमें। तो आपको पता होगा कोई भी एक अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई भी सब्सटेंस बनाना है, मान लीजिए मेरे को ये शर्ट बनानी है। ठीक है, ये शर्ट बनानी है, तो ये शर्ट कैसे बनेगी, पहले तो मुझे रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनसे रॉ मटेरियल लेंगे, कॉटन लेंगे जैसे मान लीजिए। तो कॉटन ली में देंगे, ठीक है, फैक्ट्री में देंगे, तो इस रॉ मटेरियल जो कॉटन थी उससे शर्ट बनी, और इसके बाद हम उसे मार्केट में बेच देंगे बेचने के लिए। तो इसमें क्या हो, प्रोसेसेस होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, प्रोसेसेस कौन सी होती हैं ऑब्जेक्ट को बनने में। तो जो बीच वाली जो सेकंड प्रोसेस थी, ये जो प्रोसेस थी जो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट में जो ऑब्जेक्ट बनी है, जो सब्सटेंस बना है, वो कहाँ पर बना है, वो इंडस्ट्रीज में बना, वो फैक्ट्रीज में बना है। तो इन्हीं इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के बारे में आज हमें पढ़ने को मिलेगा। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहाँ पर बनती है, वो इंडस्ट्रीज में बनती है। और इंडस्ट्री क्या होती है, जो भी हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर कोई भी हम सर्विस का लाभ उठाते हैं, मतलब कि फायदा उठाते हैं, वो कहाँ से मिलती हैं, वो हमें इंडस्ट्रीज से मिलती हैं। तो इसी इंडस्ट्रीज के बारे में हमें आज पढ़ना है। और अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। वैसे तो आपके सिलेबस में कुछ ही टाइप हैं, ठीक है, हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, ठीक है, वो इसमें नहीं दे रखा। तो आपको क्या करना है, जो आपके सिलेबस में है सिर्फ आज हम वो ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सबसे पहले आती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्रो बेस्ड, एग्रो से हम क्या चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हो, सारे जो सब्सटेंस है ना, वो एग्रीकल्चर से रिलेट कर रहे हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब ये आपको क्या बोल रहा है कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, अब एक प्लांट को ले लीजिए यहां पर और एक एनिमल को ले लिए। एनिमल को लेते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, मान लीजिए हम काऊ को लेते हैं, ठीक है, काऊ से हम क्या, हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, घी ले सकते हैं हम, बटर मिल ले सकते हैं। तो जो घी है, जो बटर है, इससे हम जो फैक्ट्रीज है उसमें, जैसे कि अमूल है, ये कौन सी फैक्ट्रीज है, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, प्लांट्स में अब क्या कर, क्रॉप्स हैं, जैसे कि क्रॉप्स हम गेहूं है, गेहूं जो है वो फैक्ट्रीज में जाता है, वो आटा बनता है, जैसे कि एक कंपनी है आशीर्वाद की जो हमें आटा देती है, तो वो कौन सी है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो आपसे पूछ ले पेपर में कि एक दो एग्जांपल बताओ भाई हमें, तो कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है। तो मैंने आपको बताया अमूल जो है वो एनिमल के प्रोडक्ट्स को यूज करती है, और हमने क्या पढ़ा है, जो इंडस्ट्री एनिमल के प्रोडक्ट को यूज करती है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो अमूल जो है एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी। दूसरी क्या है, दूसरी जो आशीर्वाद मैंने बताया जो आटा देती है हमें, वो कौन सी है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो वेजिटेबल ऑयल, फूड प्रोसेसिंग, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज, ये सारी जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। अब आपको समझना क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो दो एनिमल्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को यूज करती है, सिर्फ सिंपल सा। और अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, जो आपके सामने लिख रखा है मैंने बॉक्स में, ये लिख लीजिए, पेपर में आता है व्हाट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये लिख दीजिए, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, जब हम मिनरल्स का पता है, मिनरल्स क्या है, जो हमारी धरती से निकलते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, ये सारे जो है ये मिनरल्स है, ठीक है, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, इन्हें बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइम इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स, जैसे कि मैंने बताया कोल है, पेट्रोलियम है, इनको यूज करती है एज ए रॉ मटेरियल, ठीक है।
द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। अब क्या है, मान लीजिए कोई भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है, उसने आयरन ओर एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, जमीन से आयरन निकाल लिया, आयरन ओर, और उससे स्टील बना दिया, स्टील बना दिया, तो अब वो स्टील जो है वो दूसरी फैक्ट्रीज में भी काम आता है। क्यों आता है? क्योंकि उससे मशीन बनती है। मान लीजिए एक स्टील आयरन ओर निकालते हैं हम, ठीक है, ये आयरन ओर निकाला हमने धरती से, और उससे हमने आयरन ओर से स्टील बना दिया, ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का काम खत्म हो गया। अब ये स्टील जो है, इस स्टील से हम कोई भी एक अच्छी मशीन बना सकते हैं। आपने देखा होगा, बट जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उसमें बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, वो आयरन की होती हैं, स्टील की होती हैं, तो वो जो है ये दूसरे, इसने बोला है कि फीड अदर इंडस्ट्रीज, मतलब कि दूसरी इंडस्ट्रीज को खाना देती है एक टाइप से, तो ये जो स्टील दे रही है एक टाइप से उनका खाना है, ठीक है, तो दूसरी इंडस्ट्रीज को भी ये फीड करती है। अब आयरन ओर निकाल लिया, इससे हम स्टील बना लेते हैं, तो ये जो फैक्ट्रीज हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये दूसरों को खाना भी देती हैं, मतलब कि जो स्टील है, जो आयरन ओर है, जो रॉ मटेरियल है वो दे रही हैं। ये जो बताया मैंने कि कोई भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना सकती है, या फिर जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल आता है, और फिर कोई दूसरी फैक्ट्री जो है वहां पर डिब्बे बनाती है, कार बनाती है, ये सारी जो है फैक्ट्रीज हमें मिलती हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री। मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या था, दो थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसमें क्या है, सी में जो फिशेज होती हैं उनके प्रोडक्ट्स से जो हम जो इंडस्ट्री होती है, जो उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, उसे बोलते हैं मराइन बेस्ड इंडस्ट्री। अब मान लीजिए एक फिश है, ठीक है, फिश हमें क्या देती है, चाहे तो हम उसे खा सकते हैं, मैं नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो लोग क्या करते हैं, फिशेज को खाते हैं, ठीक है, अब फिशेज को खाते हैं, और दूसरा काम क्या होता है, फिश ऑयल होता है, ठीक है, मेडिसन्स में यूज होती हैं, तो जो इंडस्ट्रीज फिशेज को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने में, उसे हम मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल एक वर्ड होता है, फार्मास्यूटिकल कौन सा होता है, जो मेडिसन्स बनाती हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो मेडिसन्स बनाती हैं। अब कई फिशेज से मेडिसन्स भी बनती हैं, तो मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री का एक सब पार्ट हम बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को। लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज का भी यूज करती हैं, जैसे जो कई ट्रीज होते हैं जिससे हम मेडिसन्स बनाते हैं, ठीक है। अब वो जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का भी सब पार्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, मैं आपको समझा दिया। ये था मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री से हमने अब तक क्या सीखा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो दो प्रोडक्ट्स को यूज करती है, प्लांट और एनिमल्स को एज ए रॉ मटेरियल। फिर आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, आयरन और ऐसे मिनरल्स को यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। फिर आती है मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री, मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो फिशेज हैं या फिर जो ओशियंस के अंदर जो प्लांट्स हैं उनको यूज करते हैं, वो मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है, जो फॉरेस्ट हैं, जो पेड़ हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि हम फार्मास्यूटिकल्स मैंने बोला था, पल्प पेपर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, बिल्डिंग्स को बनाते हैं, ये जो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं ये है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को यूज करें एज ए रॉ मटेरियल, वो होती है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। पेपर में क्या लिखना है आपके सामने हमने दे रखा है, नोट्स बना सकते हो आप, मैंने आप सबको प्रोवाइड कर रखे हैं टेक्स्ट। इसमें क्या है, इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड ऑन द ऑफ साइज, जो इंडस्ट्रीज हैं वो साइज के बेस पर डिवाइड कर रखी हैं, तो एक इंडस्ट्री होती है बड़ी जिसे हम बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री होती है छोटी जो होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सिंपल सी बात है। तो दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं साइज के बेसिस पर, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। अब इनको हम पढ़ते हैं, तो लार्ज स्केल स्मॉल स्केल क्या होती हैं वो हम समझ रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, नाम से पता लग रहा है कि जो छोटी है, तो यूज ए लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, जिनके पास थोड़ा पैसा है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अब आपको पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खरीदने में पैसा लगेगा, पैसा उनके पास है नहीं, तो जो इंडस्ट्रीज कम पैसा लगा रही हैं और जो उसके उनके पास टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो नहीं है, वो होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब जैसे मान लीजिए आपके गांव में या फिर आपके शहर में कोई बास्केट बना रहा है, ठीक है, टोकरी बना रहा है, तो
तो टोकरी बना रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है यार। तो उसके पास इतना पैसा नहीं है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटे छोटे अपना काम करके जो है जीवन व्यतीत कर रहा है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, कैपिटल, अच्छी कैपिटल है उनके पास, बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मारुति सुजुकी है, वो बढ़िया बढ़िया जो है गाड़ियाँ बनाती हैं। हमारी टाटा जो है, टाटा स्टील है, जो टाटा मोटर्स है, जो द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कार्स बनाती है हमारे इंडिया में। तो ये जो है ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। अब आप पिक्चर में देख रहे हो, आप जो ये है बास्केट बना रहा है, ठीक है, बास्केट बना रहा है, तो ये है स्मॉल स्केल। अब जो ये फैक्ट्रीज हैं जिसमें कार्स बन रही है, ऑटोमोबाइल जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। आपके पेपर में आ सकता है लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में डिफरेंस बताएं, तो आपके सामने डिफरेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, आपकी टीचर पूछ सकती है आपसे। तो लोकेशन, इंडस्ट्री कहाँ पर हम सेटअप करेंगे? ये तो है नहीं हमारे पास पैसे आए और हम कहीं पर भी इंडस्ट्री सेट कर लें। तो फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप होगी? जहां पर रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा हमें, चीप लेबर होगी, ठीक है। अब जो फैक्टर्स होते हैं ये मैंने आपको इस डायग्राम में बना रखे हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है हमारे को जनरेट करनी है, हमें हमें खड़ी करनी है, तो उसको उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो रॉ मटेरियल होने चाहिए, ठीक है, लेबर होना चाहिए हमारे पास। अब कोई काम करने वाला नहीं होगा तो हम फैक्ट्री में क्या करेंगे, ठीक है, कैपिटल, पैसा नहीं होगा तो हम किस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, कैसे हम रॉ मटेरियल्स को परचेज करेंगे? मार्केट पास में होनी चाहिए, प्रोडक्ट बना दिया, अब मार्केट इतनी दूर है, इतनी दूर है तो हम हमारा ट्रांसपोर्ट में ही खर्चा लग जाएगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो जो मार्केट है वो पास में होनी चाहिए, वाटर जो है, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, हमारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मार्केट तक का रोड जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में अब क्या है, ट्रांसपोर्ट जैसे है कि हमारे पास अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है, अब हम उसको जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट को वो मार्केट में कैसे ले जाएं? पावर होनी चाहिए, पावर का मीन्स है यहाँ पर लाइट, अगर लाइट ही नहीं आएगी तो हमारी मशीन्स कैसे चलेंगी, ठीक है। लैंड होनी चाहिए जिस पर हम फैक्ट्री सेटअप करेगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने साथ ही साथ लोकेशन भी कर दी, जहाँ पर मार्केट है, जहाँ पर पानी है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, जहाँ पर पावर सप्लाई अच्छी है, ठीक है, इन ये सारी जो है ये लोकेशन को इफेक्ट करती है किसी भी इंडस्ट्री की। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है, मान लीजिए एक लोकेशन है जो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हमारी गवर्नमेंट वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती है, इंडस्ट्री जहाँ पर सेटअप होगी वहाँ पर हमें नौकरी मिलेगी। मान लीजिए आपके गांव में फैक्ट्री आती है तो आपके गांव वालों को नौकरी मिलेगी, ठीक है, वहां पर काम करने का मौका मिलेगा। तो ऐसी पर्टिकुलर एरियाज में जहां पर फैक्ट्रीज नहीं है वहां पर हमारी गवर्नमेंट जो है फैक्ट्रीज खोलना चाहती है, इसलिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो फैक्ट्री लगा रहे हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, उनको टैक्सेस में थोड़ी राहत दे देती है ताकि वहां पर इंडस्ट्री सेटअप हो। ये एक अनदर कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम मैंने बताया कि जो प्रोसेसेस जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस करी थी, मान लीजिए रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के बाद हम इंडस्ट्री में जाते हैं, इंडस्ट्री के बाद हम मार्केट में जाते हैं। तो एक इंडस्ट्री है वो एक सिस्टम को, एक प्रोसेस को फॉलो करती है, ठीक है, बिना प्रोसेस फॉलो करे हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो रॉ मटेरियल आता है, ठीक है, इनपुट जो है हम देते हैं, उसके बाद जो है वो प्रोसेस होता है। तो जो इनपुट का कंसेप्ट है, हम रॉ मटेरियल देते हैं किसी भी फैक्ट्री में, वहां पर आगे जाकर जो इंडस्ट्री में क्या है उस रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करते हैं, मान लीजिए मतलब कि हम उसे बना रहे हैं, उसके बाद क्या है वो आउटपुट, आउटपुट जो शर्ट बनाई थी हमने वहां पर, तो उस शर्ट को हम मार्केट में बेचते हैं, तो आउटपुट जो है वो प्रोडक्ट है। तो ये था इंडस्ट्री जो है एक सिस्टम पर वर्क करती है। अब नेक्स्ट जो है इंडस्ट्रियल रीजंस है, ये आपको क्या है याद करने हैं, ठीक है, सॉरी हम आगे निकल गए ज्यादा। हाँ, तो इंडस्ट्रियल रीजन जो है ये आपको याद करने हैं, ठीक है, मुंबई पुणे जो क्लस्टर है और गुड़गांव दिल्ली का जो एरिया है ये आपको याद करने हैं। नॉर्थ में आपसे पूछ लेगा, मैप का क्वेश्चन आ सकता है आपको, अगर आपका टीचर मैप का क्वेश्चन करवाते हैं, या फिर आप पूछ सकते हो, सर क्या आप मैम या फिर सर
आप क्वेश्चन दोगे मैथ्स के हमारे सिलेबस में, तो अगर नहीं देते तो वेल एंड गुड है, अगर वैसे सीख लेते हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी क्लास 10th आ रही है, वहां पर मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड्स में भी, ठीक है, वहां पर क्वेश्चन आएंगे, वहां पर करना होगा, अभी कर लोगे तो और अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर मैप्स का क्या है, मैप्स हमने प्रोवाइड कर रखा है, या फिर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो सॉरी, आप बुक में देख लीजिएगा, ये रीजंस भी आप पढ़ सकते हो, इतना भी ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट नहीं है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चंस करवा देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सनराइज इंडस्ट्री, आपका एक कंसेप्ट है सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो एमर्जिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जो नई नई इंडस्ट्रीज बन रही हैं, उन्हें हम सनराइज इंडस्ट्रीज बोल देते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम में लिख सकते हो, एमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज, दीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू मेजर हब्स ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज, सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया में, और जो हमारे पास बेंगलोर है, वो टू मेजर आईटी इंडस्ट्रीज हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्मेल्टिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्मेल्टिंग आ सकता है आपका, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हिटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। अब मान लीजिए कोई एक ओर है, हर एक चीज का आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट होता है, जहां पर वो चीज मेल्ट हो जाती है, लेकिन जब हम आयरन ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा हम टेम्परेचर देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मेल्ट। हाउ टू कन्वर्ट आयरन ओर इंटू स्टील, ये अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इंटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस, आयरन ओर को हम स्टील में कन्वर्ट कर रहे हैं, काफी सारी प्रोसेसेस में लगती है। द रॉ मटेरियल जो आयरन ओर होता है, हम उसे ब्लास्ट फर्नेस में पुट करते हैं, इट अंडरगो स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग करते हैं जो हमने बताया, देन फिर इसको हम रिफाइन करते हैं। स्मेल्टिंग करी मतलब कि उसको आयरन ओर को मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर दिया, उसके बाद हम उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जो हम स्टील होता है, ठीक है। अब एक आपके जो एनसीईआरटी है उसमें एक पिक्चर है, वो दिखाता हूँ आपको, काफी अच्छे से समझ में आएगी। तो 8 टन ऑफ कोल्स लिया, ठीक है, 8 टन कोयला लेते हैं हम, 4 टन आयरन ओर लेते हैं, प्लस 1 टन लाइमस्टोन लेते हैं, इन सभी को मिक्स करके जब हमारा स्टील मिलता है 1 टन, तो 8 और 4 12 और 1 13 टन, 13 टन जब हम रॉ मटेरियल देते हैं जब हमारा 1 टन मिलता है, इसलिए जो स्टील है वो काफी महंगा होता है। या आपसे पूछ सकता है कि 1 टन स्टील है जो, उसके लिए कितना रॉ मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो कि 8 टन कोयला लगेगा, 4 टन आयरन ओर लगेगा, 1 टन लाइमस्टोन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्रीज है उसमें स्टील जो है एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, बिना स्टील के हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्टील, ये क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए, क्योंकि स्टील के आप खुद से भी बता सकते हो, यही इनसे नहीं, आप खुद से भी, फैक्ट्रीज है वहां पर स्टील यूज हो रहा है, ठीक है, काफी सारी अदर प्रोडक्ट्स हैं जहां पर हम स्टील का यूज कर सकते हैं, आप खुद भी बता सकते हो, ये भी आप पढ़ लीजिए और आप खुद से भी ट्राई करीजिए कि स्टील कहाँ कहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट है, मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया, ये एक अनदर कंसेप्ट है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, जैसे आप नीचे जाते जाओगे वहां पर लिख रखे हैं जमशेदपुर, ठीक है, भिलाई, तो आपको क्या लिखना है, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रोरकेला और बोकारो, ये जो हैं वे मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं इंडिया के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टिस्को एंड हाउ जमशेदपुर वाज चूजन टू सेट अप स्टील प्लांट, ये आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, जो टिस्को है उसके बारे में बताओ, टिस्को क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, टिस्को के बारे में बताओ भाई, टिस्को की फुल फॉर्म बताओ, तो टिस्को की 1 मार्क्स में आपसे जो है फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये फुल फॉर्म है टिस्को की, 1907 में ये स्टार्टेड हुई थी, ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर जो है वो स्टील प्लांट के लिए क्यों चूज हुआ, अब हमने एक फैक्टर्स अफेक्टिंग
द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एक टॉपिक पढ़ा था, तो वहाँ पर क्या है, वाटर सप्लाई, ठीक है, पावर सप्लाई, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, वो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए थी। तो जो जमशेदपुर है वहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल रही थी, ठीक है। तो इसलिए जो है जमशेदपुर है वो उसको चूज़ किया गया। अब आपसे आप ये बात भी लिख सकते हो कि वहाँ पर मार्केट जो है, पावर सप्लाई जो है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है वो अच्छी थी, ये भी लिख सकते हो। और आप पर्टिकुलर पॉइंट भी लिख सकते हो, जैसे कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है कि 32 किलोमीटर अवे जो है ये पर्टिकुलर ये चीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मैप। आयरन एंड स्टील प्लांट्स पूछ सकता है। आप कल अपने टीचर के पास जाइए, सर जो हमारा क्लास 8th का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है इंडस्ट्रीज, उसमें मैप के क्वेश्चन आप दोगे या नहीं? अगर देते हैं तो आप यहाँ से कर लीजिए, नहीं देते हैं तो छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्लास 10th में ये सेम मैप आएगा, आपको करना पड़ेगा। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप कर रहे हो तो अभी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है स्टील प्लांट्स दे रखे हैं, इनके नेम्स दे रखे हैं आपको, आप यहाँ से कर लीजिएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है पर्टिकुलर जो ये स्टील प्लांट है ये कौन से स्टेट में है, मैप ना देखे, ठीक है। अब ये ऐसे वर्ल्ड मैप आ गया, ठीक है, वर्ल्ड मैप में आपसे पॉइंट पूछ सकता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये कहाँ पर है, आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है बेसिकली, तो करवाना तो पड़ेगा दोस्तों, और करना भी पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट है फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया, फर्स्ट कॉटन मिल, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। 1818 में बना था फर्स्ट अगर देखा जाए तो, लेकिन वो इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं था उसका, और वो जल्दी ही बंद कर दिया गया था। तो 1818 में जो हमारा फर्स्ट हुआ था, उसके बाद जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ था वो फर्स्ट टाइम हुआ था 1854 में मुंबई में, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो आप ये क्वेश्चंस आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, आपके एग्जाम में भी जो आप क्लास 8th का एग्जाम दे रहे हो उसमें भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं, इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, पॉज करिए वीडियो को, पढ़ लीजिए, नोट्स बनाने हैं नोट्स बना लीजिए, मैं समझा देता हूँ इंडस्ट्री होती क्या है। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है गुड्स का, मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को क्रिएट करते हैं, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में समझा था वो होती है इंडस्ट्रीज, ये हमने समझ लिया। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो हमने एक स्मार्ट आर्ट से एक वो बना रखी थी ऐसे पर्टिकुलर, जहाँ पर बीच में फैक्ट्री लिखा हुआ था, लैंड, लेबर को, कम्युनिकेशन, पावर, ये सब लिखा हुआ था एक स्लाइड में, पीछे जाके आप देख सकते हो, वो जो सारे फैक्टर्स थे वो लिखने हैं जो आपके सामने दे रखे हैं, ट्रांसपोर्ट है, मार्केट है, पावर है, कैपिटल है, लेबर है, वाटर है, करवा दिया ये क्वेश्चन भी हमने पहले। विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर्ड एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, स्टील जो है वो, ये क्वेश्चन भी हमने रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई, फिर से वही क्वेश्चन। अब जो कॉटन है उस पर आते हैं, कॉटन को क्या है, थोड़ा वार्म क्लाइमेट चाहिए, द वार्म मोइस्ट क्लाइमेट, ठीक है। इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग वहां पर हमारे पास जो है पोर्ट्स हैं, इसलिए जो मुंबई है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करता है, रैपिडली एक्सपेंड होती है वहाँ पर, ठीक है। अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल, महाराष्ट्र में कॉटन मिलती है, सिंपल सी बात है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फोर्ट कोलेस्टर 1818, एक पर्टिकुलर याद आई होगी आपको चीज़, 1818 अभी करा था हमने, जो फर्स्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, कहाँ पर सेटअप हुई थी, तो वेस्ट बंगाल 1818, फोर्ट ग्लोस्टर में भी थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर, नाइलोन सिंथेटिक है, आर्कलिक सिंथेटिक है, जूट, जूट आपने देखा होगा जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में सबसे ज्यादा होता है वो है जूट, तो जूट एक नेचुरल फाइबर है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विशन बिटवीन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में पूछ सकता है, या फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री में पूछ सकता है। तो ये आपके सामने दे रखा है और हमने ये पर्टिकुलर एक एक इंडस्ट्रीज समझ ली है। पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलता है, जॉइंट सेक्टर जो है वो उसमें गवर्नमेंट पार्ट भी ले सकती है और इंडिविजुअल भी
वर्क कर सकता है। तो जो है मारुति उद्योग लिमिटेड, ये जो है जॉइंट सेक्टर है, और जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये जो है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में बेसिकली क्या होता है, एक अनदर डिफरेंस बता देता हूँ। पब्लिक सेक्टर जो है वो पब्लिक के लिए काम करता है, ठीक है। काम तो दोनों ही पब्लिक के लिए करते हैं, दोनों ही पब्लिक के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होता है, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक होता है, लेकिन इसमें जो मेन मोटो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। प्रॉफिट कि हमें प्रॉफिट, पर्टिकुलर बंदे को प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो होता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। और लेकिन वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के अच्छे के लिए जो काम होता है, जो इंडस्ट्री होती है, वो होती है पब्लिक सेक्टर। अब आते हैं हमारे एमसीक्यूज, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स जैसे कि आयरन है, कॉटन है, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। पानी जो है वो भी एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल अगर देखा जाए तो, ठीक है। क्रॉप्स में व्हीट जो है वो भी एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है। एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट टी शर्ट ले लीजिए, ठीक है, क्लोथ ले लीजिए, यूटेंसिल ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, पैंट ले लीजिए, कोई भी कुछ भी लिख सकते हो, रटना नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ समझना है। एंड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट कितने सारे हैं, फोन है, लैपटॉप है, माइक है, ये पेन है, ठीक है, ये मेरा फोन है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज करवा दिया हूँ मैं, अब रिपीट कर देता हूँ। डायरी इंडस्ट्री है, जो अमूल मैंने बताया था, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, ये सारी जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी है, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। अगला है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री जैसे कि हम पोटरी करते हैं, ठीक है, मटके बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं, ये जो है कॉटेज इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सेक्टर, अमूल है, मदर डायरी है, ये सारी जो है कोऑपरेटिव सेक्टर्स है। तो ये था आज का चैप्टर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट करेंगे अब कुछ दिन में। तो इंडस्ट्रीज चैप्टर कैसा लगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम एज सून एज पॉसिबल होगा ना तभी आपको, आपका कमेंट देखकर हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे, या फिर अदर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर बनाना है हम वो भी बना देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।